हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब सी लैंग्वेज में इंट का प्रयोग करते हैं, यानी इंट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं, तो उस समय हमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कहां कहां इंट यूज हो सकता है, और अगर इंट हम नहीं यूज करते तो उसकी जगह क्या लगा सकते हैं और क्या उसका यूज है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पर हेडर फाइल में लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर यहां पर नीचे हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहां पर हमें इंट मेन फंक्शन लिखना है, ठीक है। इंट क्यों? क्योंकि हम कुछ रिटर्न करवाएंगे, कोई ना कोई वैल्यू ये रिटर्न करेगा, यानी रिटर्न जीरो लास्ट में हमें लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे इंट मेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे, और यहां पर हमने लिखा इंट। इंट क्या है? इंट एक कीवर्ड है, ठीक है। इंट एक कीवर्ड है जिससे ये पता चलता है कि हमने क्या डेटा टाइप लिया है, डेटा टाइप यूज किया है, ठीक है। अगर इंट लेता हूं यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन वेरिएबल हमने बना लिए। अब यहां पर हम यूजर को स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ेगा वो मैसेज दे देंगे। जैसे यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एंटर अ नंबर, ठीक है। यही मान लीजिए यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, तो ये यूजर स्क्रीन पे देखेगा, इसलिए यहां पे प्रिंट एफ में हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यूजर एंटर करेगा, दैट्स वाई हम यहां पे स्कैनअप भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे परसेंट ई, चूंकि हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, तो आपको ये पता है, हमारी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंट ई, ठीक है। और यहां पर परसेंट ई दो बार लिखा, क्योंकि पहली वैल्यू ए में फिर दूसरी वैल्यू बी में स्टोर होगी, दोनों का फॉर्मेट क्या है, इंटीजर है, दैट्स वाई। और यहां पर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ये दोनों लगा दिया हमने, और यहां पर टर्मिनेट किया इसे, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए, सॉरी यहां पे एड्रेस ऑफ ए ही होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये हमने लगा दिया और यहां से इसको हटा दिया। अब देखिए यहां पर इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। सिंपली एंटर प्रेस करिएगा, फिर यहां पर ए इज इक्वल टू, सॉरी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि हम डिवीजन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और यहां पर डेटा टाइप क्या लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं कि इंटीजर लेने पे होगा क्या, या तो वैल्यू प्लस में आएगी या तो वैल्यू माइनस में आएगी, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर प्रिंट करवा देते हैं रिजल्ट। तो यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहां पे लिखता हूं परसेंट डी इज द रिजल्ट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहां पर कर दिया सी में वैल्यू को स्टोर, ठीक है। और यहां पर कर दिया हमने रिटर्न जीरो, ये हमको लिखना है रिटर्न जीरो, क्योंकि हमने यहां पे इंट मेन लिया हुआ है। सी अपॉन बी हो गया यहां पे, ये चीज इसको सही कर लीजिएगा, ये सी अपॉन बी नहीं रहेगा, ए अपॉन बी रहेगा, ठीक है। यहां पे ए बी सी लिया हमने, सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। और यहां से अब इसको सेव कर लीजिए, फिर यहां पे एक बार इसको कंपाइल करवाते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, अब यहां से इसको करवाते हैं रन। तो अभी ये रन हो जाएगा। अब यहां पे 4 है तो 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 4 लिखा फिर 2 लिखा, तो यहां रिजल्ट 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी वो भी बता देता हूं। 7 है, अगर इसको 2 से डिवाइड कराता हूं तो आंसर आ रहा है 3, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में ही तो ये आंसर देगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब हम ये नहीं चाहते कि ऐसी प्रॉब्लम आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर इंट की जगह फ्लोट का यूज कर सकते हैं। फ्लोट भी एक डेटा टाइप भी है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो यहां मैं लिखता हूं फ्लोट, ठीक है। तो ये फ्लोट लिख दिया हमने, और फ्लोट जब लिखेंगे तो यहां परसेंट डी की जगह आ जाएगा परसेंट एफ। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो यही बिगिनर थे और ट्रिपल एम से बीटेक कर रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट है, तो ये कंफ्यूजन अभी चूंकि नया नया इनका एडमिशन हुआ है, कंप्यूटर साइंस इनका ट्रेड है, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पे परसेंट एफ कर दिया हमने, और यहां से अब इसको सेव करता हूँ, फिर यहां से कंपाइल करवाता हूँ इस प्रोग्राम को। तो ये कंपाइल भी हो गया, अब यहां से इसको रन करवाऊंगा तो ये रन भी हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं 7 लेता हूँ 2, तो यहाँ पे देखिए आंसर 3.5 आ रहा है, चूंकि हमने फ्लोट ले लिया ना, तो इस वजह से ये जो है पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है। अगर हमने इंट लिया होता तो ये पॉइंट में आंसर नहीं देता। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इसकी जगह 2 ले लेते हैं, इसको कंपाइल करवाएं फिर रन करवाएं, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो 8 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आंसर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं, और ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी इससे कि फ्लोट और इंट में क्या डिफरेंस है, और क्यों इंट लिखने पर हमारा आंसर गलत हो जाता है जबकि हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।